वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारे मित्रों, पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपका अथाह प्यार मुझे मिलता है, जैसे कि आप सभी को पता है कि हिंद कैब आने वाली है और उसकी टेस्टिंग का काम चल रहा है, जिस करके मैं लाइव नहीं आ पाया और वीडियो नहीं दे पाया, और कुछ प्रशासन से जवाब तलब चल रहा था कई कामों के ऊपर, तो इस करके नहीं आया। लेकिन आप लोगों के फ़ोन, इतने मैसेज आए, मैं सल्यूट करता हूँ आपके प्यार को कि आपने सभी ने मेरी कुशल क्षेम पूछी, राजी खुशी पूछी और जानकारी चाहिए कि भाई क्या बात होगी, भाई साहब आप नहीं आ रहे। तो मित्रों, ये आपका प्यार है जो मुझे बार बार आपके साथ आने के लिए मजबूर करता रहता है, और ये प्यार ऐसे ही बनता रहे। दोस्तों, मैं आपके साथ एक बात करने जा रहा हूँ। अभी आपने महसूस किया होगा कि थोड़ा सा लॉकडाउन खोलने के बाद, जहां तीसरी लहर की बात सब कर रहे हैं, वहीं पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा व्यवसाय भी चलने लगा है। लेकिन एक आपको बता दूं कि हमारे साथ, हमारे ही कुछ साथी हमारे साथ नुकसान कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारा सबसे ज़्यादा नुकसान अगर आज हो रहा है, तो आप देखें कि 45 सवारी भरकर वाल्वो बस दिल्ली से मनाली जाती है, जयपुर से दिल्ली आती है, उदयपुर से दिल्ली आती है, बीकानेर से दिल्ली आती है। कटरा, कहीं का नाम आप ले लें, किसी शहर, लखनऊ का ले लें, गोरखपुर का ले लें, सभी जगह से आप देखेंगे ये बसें भर के आती हैं। अगर ये बसें ना आए तो इसके बदले में टैक्सी आपकी चलेगी। दोस्तों, हम लोग कई चीज़ों का ख्याल नहीं करते, लेकिन मैंने एक मुहिम चलाई है। जो लोग मेरे साथ ट्विटर पर जुड़े हुए हैं वो लोग देख पा रहे होंगे, और जो लोग ट्विटर पर अभी तक नहीं हैं वो लोग भी ट्विटर हैंडल अपना बनाएं, अकाउंट बनाएं, और मेरे को परिवहन पंच और इंद्रजीत सिंह जी के जो मेरा हैंडल है उस पर आप लोग लाइक और शेयर करें, जिससे मैं अपनी बातें मनवाने में सरकार से सक्षम हो जाऊँ। मैं आपको एक बात बता दूं कि जितने लाइक्स हमारे उसके ऊपर होंगे, उतना व्यूज़ हमारे होंगे, जैसे वीडियो मैंने दी, इसको आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना लोग ज़्यादा देखेंगे, उतना प्रशासन हमसे डरेगा। हमारी डिमांड क्या है कि डंका मार बसें जो चलती हैं वो तुरंत प्रभाव से बंद होनी चाहिए। आज अगर एक बस बंद होती है तो आप देखते हैं कि 45 सवारियां हैं, आपकी 10 टैक्सी मनाली के लिए जाएंगी। आप सोचिए कितना बिजनेस पड़ गया आपका। हम लोग एक दूसरे के प्रति लापरवाह होते जा रहे हैं। आज कॉल सेंटर की गाड़ियां हमारे बीच में आ गई हैं, जिस करके हमारे काम में प्रभाव पड़ा है। परंतु मित्रों, जब तक हम लोग ठीक थे, हमने किसी को तंग नहीं किया, लेकिन अगर हम शुरू में इन बसों को रोक लेते तो आज ये हालत ना होता। आप सभी लोग जहां जहां भी रहते हैं, जहां जहां भी आपको ये बसें नजर आती हैं, और खास तौर पर जो बसों में सामान लदा होता है, उसकी फोटोग्राफ्स मेरे को जरूर भेजें। हमने एक मुहिम छेड़ी है कि हमारा रोजगार हमें दे, साडा हक सानू दे। हमने जो अधिकार हमारे हैं, हम टैक्सी चलाते हैं, स्वयं रोजगार हमने उत्पन्न किया है, अपने दोस्तों मित्रों से, परिवारजनों से, किसी न किसी तरह से हमने अपनी गाड़ी बनाई है। आज हम गाड़ी दे की किस्त देने में सक्षम नहीं है। बहुत से मेरे मित्र मेरे को फ़ोन करते हैं, और जो लोग मेरा कहा मानते हैं उनकी गाड़ियां वापस भी होती हैं, जो लोग मेरा कहा ना मान के कोई और तरीका अपनाते हैं उनकी गाड़ी वापस नहीं आती। अभी परसों का एक केस था, मैंने मित्र को बोला कि रिपोर्ट लिखो, रिपोर्ट थाने में लिख दी गई, लेकिन वो बैंक वालों की बात में आके बैंक में चला गया। मैं समझा रहा हूँ कि बेटा वहाँ मत जा, तेरा काम यहाँ हो जाएगा, लेकिन वो वहाँ जाके और पैसे जमा कराने का वादा और पैसे देकर आ गया, और गाड़ी उसकी अभी भी नहीं मिली। तो दोस्तों, अगर आप मेरे पास आए हैं तो आपको मेरी बात माननी चाहिए। अभी कल की बात है, हमारे एक मित्र हैं, मेंबर है, हमारे सदस्य हैं, उनके यहाँ गाड़ी लेने के लिए आए थे। उन्होंने डटकर मुकाबला किया, मेरे से बात कराई। मैंने AU फाइनेंस वालों को कहा कि मेरा नाम इंद्रजीत सिंह, आप लोग जानते हैं, अपने अधिकारियों से बात कर लें। उन्होंने कहा ठीक है जी, हम गाड़ी छोड़ के जा रहे हैं, हमें कुछ खर्चा दिला दो। दोस्तों, आप ये बात सोचिए कि आपके फोन पर वो आदमी जा रहा है, खर्चा मांग रहा है, मतलब कि उनके पास अधिकार नहीं है गाड़ी उठाने का। लेकिन हमने फिर भी कहा है कि हम अगर डंका मार बसें रोक लेते हैं तो हमारे बिजनेस में कुछ ना कुछ इजाफा होगा, जिससे हम अपनी किस्तें देने में सक्षम हो जाएंगे। किस्तें देनी पड़ेंगी, ये बात तय है, ब्याज रुकेगा नहीं, पर आपसे कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता, ये इस बात का आश्वासन इंद्रजीत सिंह आपको देता है, आपका भाई आपको देता है। दोस्तों, पीछे मुहिम चली थी, आप लोगों ने प्रति माह 10 रुपये देने का वादा किया था और 10 रुपये दिए थे, लेकिन
जब मेरी वीडियो आती है तो अब लोग आप 10 रुपये दे देते हैं, जो नंबर सामने लिखा है इस पर पेटीएम कर देते हैं, अन्यथा आप शायद भूल जाते हैं या याद नहीं रहता या करना नहीं चाहते। दोस्तों, कानूनी लड़ाई के लिए हमें 10 रुपये प्रति गाड़ी पूरे भारत से चाहिए, और अब बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे पास पर्याप्त धन नहीं आया अभी। आप यकीन करेंगे कि हमारे पास जो हैं अभी तक 10,000 रुपये की फिगर इकट्ठी नहीं हुई है, 7,120 पता नहीं 30 रुपये हुए हैं सिर्फ अब तक, 15 मई से हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। आप सोचिए कितना हमारा ये कमज़ोर सिस्टम है। तो दोस्तों, आप 10 रुपये का पेटीएम भी प्रति गाड़ी के हिसाब से इस नंबर पे कीजिए जो सामने दिख रहा है। दूसरा, आप लोग अगर चाहते हैं कि हमारा काम चले तो डंका मार बसें जहाँ चलती हैं वो पॉइंट्स उनके नंबर मेरे पास भेजिए। नंबर 3, मेरे मित्रों, हिंद कैब आ चुकी है, कस्टमर ऐप पे हमारी ट्रायल चल रही है, किसी भी दिन हमारी सारी जो ट्रेनिंग है, जो सारा उसके खमियां हैं वो दूर करके किसी दिन भी आपको घोषणा कर सकते हैं कि कल से ये चलने वाली है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप जुड़ेंगे तो हम लोग ओला उबेर जैसी कंपनियों से मुक्ति पा पाएंगे और अपना ये कार्य कर पाएंगे, और हिंद कैब जो है पूरे भारतवर्ष में चलने वाली है, ये बात आपको बता दें। तो भारत के जिस जिस कोने में मेरी ये वीडियो पहुंचा सकते हैं पहुंचाइए, जिससे वो लोग भी जुड़े और जुड़कर हिंद कैब को मजबूत करें और हम इस ओला उबेर जैसे दानवों को यहाँ से भगा सकें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे मित्रों आगे से आगे फॉरवर्ड अवश्य करना। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।